नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की चार चिड़ियों की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देवता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है, एक पेड़ पर चार चिड़ियाँ रहती थी। वह चारों चिड़ियाँ बहुत ही पक्की सहेली थी और आपस में बहुत बातें किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था, तभी एक चिड़िया ने दो औरतों को बातें करते हुए सुना। वो दोनों औरतें कार्तिक माह के व्रत, स्नान और महत्व के बारे में बातें कर रही थी। चिड़िया को उन औरतों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस चिड़िया ने आकर सारी बातें अपनी सहेली चिड़ियों को बताई और उन्हें कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। फिर चारों चिड़िया कार्तिक महीने में गंगा के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। वे चिड़िया रोज गंगा जी में कार्तिक स्नान करती, व्रत तथा पूजा पाठ करती। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। प्रतिपदा के दिन चारों चिड़ियों ने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, घी इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद चारों चिड़िया नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया स्नान करके आई, उसे भी बहुत भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पिया और वह भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया स्नान करके आई, उसे भी तेज भूख लगी थी, उसने खिचड़ी खाई और वो भी सो गई। अंत में चौथी चिड़िया स्नान करके आई तो उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वह भी सो गई। देवयोग से उसी समय बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण चारों चिड़ियों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में पहली चिड़िया जिसने खिचड़ी की भाप खाई थी, उसे राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया, उसे एक कुम्हार की पुत्री के रूप में जन्म मिला। तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई, उसे ब्राह्मण के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म मिला। और चौथी चिड़िया जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी, उसे राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म मिला। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। भगवान की कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी विवाह योग्य हो गई। तब राजकुमारी का विवाह हुआ तो राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, मैं अपनी सहेलियों और दासी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी। राजकुमारी ने फिर कहा, पिताजी, मैं इस हथनी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हथनी को लेकर आओ। सैनिक हथनी को लेने गए तो हथनी सैनिकों से नहीं उठी। तब राजकुमारी हथनी के पास गई और हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बातें कह दी। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर हथनी तुरंत खड़ी हो गई। यह सब वह राजकुमार देख रहा था जिसके साथ राजकुमारी का विवाह हुआ था। वह राजकुमार राजकुमारी के पास आया और उसने राजकुमारी से पूछा कि तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे वह तुरंत खड़ी हो गई, मुझे भी बताओ। तब राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, अगर कार्तिक नहाने का इतना महत्व है कि चिड़ियों को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करके पूजा पाठ और दान पुण्य करेंगे। फिर जब कार्तिक का महीना आया तो राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, व्रत किया और पूजा पाठ किया, जिससे उनका सारा जीवन खुशियों से भर गया।
और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उन चिड़ियों पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।